Help! Help! Ouch! Tonight! Help! I am tonight! Ouch! IMA पासिंग आउट परेड में जवानों का जोश और जज्बा देखने लायक होता है। देहरादून में भारतीय सैन्य एकेडमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड में 425 सैन्य अधिकारी मिलने जा रहे हैं। इनमें से 341 कैडेट भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे और 84 विदेशी अपने देशों की सेना में अफसर बनेंगे। इससे पहले IMA में मंगलवार को डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर परेड का आयोजन किया गया। इसमें 425 जेंटलमैन कैडेट्स ने अपना जोश दिखाया। इस परेड में POP में होने वाली सभी मूवमेंट का रिहर्सल किया जाता है। परेड का निरीक्षण करने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी के मेजर निकुंज शर्मा ने कहा कि हर एक सैन्य अफसर की अपने हर एक जवान के प्रति जिम्मेदारी बनती है। उसके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश यही अकादमी में सिखाई जाती है। हाँ, जो पासिंग आउट परेड होता है वो हर एक 6 महीने का एक दिनचर्या है नॉर्मल, और हर 6 महीने में यहाँ से जेंटलमैन कैडेट्स ऑफिसर्स बन के जिनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है वो अपने आप को सारे मॉडल्स के ऊपर टेस्ट करके उन लोगों को जेंटलमैन कैडेट्स को ऑफिसर्स बनते हैं। तो उसके अंदर एक पासिंग आउट परेड होता है और पासिंग आउट परेड के दिन फॉलो अप होता है जो आप देख रहे हैं, इसको पिपिंग सेरेमनी बोलते हैं, जहाँ पे जेंटलमैन कैडेट्स अपने जेंटलमैन कैडेट्स के रैंक्स हटा के और उनके जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं आज के डेट में, बिकॉज कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शंस के कारण अदरवाइज़ जो है वो पेरेंट्स आते हैं लगाते हैं, बट क्योंकि एक भारतीय सेना एक अपनी अपने में एक फैमिली है तो यहाँ पे पिपिंग करने के बाद और उसके बाद अपना जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ से एज लेफ्टिनेंट बन के आज के दिन निकलते हैं। देश और सरहद की सुरक्षा की खातिर हर विषम परिस्थिति में लड़ने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एक वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुए 341 युवा कैडेट शनिवार को भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएंगे। देहरादून से ETV भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।